हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट्स तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है, बट उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। अभी बज रहे सुबह के 8:30 बजे। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में इतने जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई मीन टू से सुबह सुबह पे मैं इतने जल्दी उठता नहीं है एक्चुअली, मैं लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, गेमर थिंग्स, क्योंकि हाँ मतलब ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। भाई मैं कल कितने बजे तक वैलोरेंट खेला भाई, लिटरली मैं 2 बजे तक खेला। मैं कल रात को 2 बजे तक वैलोरेंट खेला, फिर भी मुझे पता नहीं मुझे कैसे सुबह 6 बजे ही नींद खुल गई मेरी। एंड मैंने सोचा कि चलो भाई आज सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर लेते एकदम फ्रेश मूड में, तो बैठे यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैंने कल ही इस एक्चुअली हाँ कल ही ये शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म मुझे रिकमेंड हुई मेरे फीड में। इसका नाम शीश, मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ यार, टाइटल में देख लेता। सो हाँ, ये एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है ये एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है जो कि बनी है अनरियलिस्टिक अभी डकार आनी थी मां की आंख। ये एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है जो कि बनी है अनरियल इंजिन में। आई डोंट नो इफ यू आर फैमिलियर विद दिस इंजिन वाला थिंग, बट आज से 1 साल पहले मैं ब्लेंडर वगैरह काफी यूज करता था, एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे काफी उसकी आदत है। एंड आई थिंक आई डोंट नो तुम देख सकते हो कि नहीं, मेरे डेस्कटॉप पे सी हियर, ये ब्लेंडर अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, मैं यूज नहीं करता बट हाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं कहाँ पर था, तो हाँ आज से 1 साल पहले ये 3D मॉडलिंग वगैरह में मैं काफी इन्वॉल्व रहता था, एंड अभी भी मैं उतना ही फैमिलियर हूँ ब्लेंडर के साथ। अगर तुम आज भी मुझे कोई काम दे दो, होगा तो दे दो यार, ठीक है, काफी पेट का सवाल है। तो हाँ आज भी मुझे ब्लेंडर उतना ही आता है जितना मुझे पहले आता था, भले थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो छूट चुकी है, बट हाँ मेरी ब्लेंडर गाथा मेरी थोड़ी हम साइड में रख देते एंड आते इस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म के सास क्या बात कर रहा है, तो आते इस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म के पास, हाँ पास नॉट सास, तो लेट्स एंजॉय। काफी सही है, मैंने सुना है, क्योंकि मैंने वीडियो तो नहीं देखा बट मैंने उसका कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ा है, क्योंकि मैं देखना चाहता था उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में क्या लिंक्स वगैरह कुछ है, क्या क्रेडिट्स वगैरह देने के लिए। आई डोंट नो अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, वाह, बट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो ओरिजिनल वीडियो को अपलोड देना मत भूलना। एंजॉय द वीडियो एंड लेट जंप राइट इनटू इट। किसकी राह देख रहे हो भाई, चलो घुसो। शॉर्ट ऑफ द बिग ऑफिशियल सिलेक्शन, कॉपीराइट वगैरह तो नहीं आएगा ना मेरे को, लेट्स एंजॉय। वो व्हाट, пойдем, нас там ждут. क्या चल रहा है भाई, अलग प्लेनेट पे है क्या ये? इनके सूट्स काफी इंस्पायर्ड लग रहे हैं बायो म्यूटेंट गेम के, जो अलग अलग रेजिस्टेंस वाले सूट्स हैं। ये तो पृथ्वी लग रहा है भाई, я знал, что будет плохо, но чтобы так, дыши, нам еще прилично идти. Ты
भेजा? भाई मैं इसका एनिमेशन देख के इतना खुश हो रहा हूँ। Хранили машины. Пойдем, мы уже близко. Но не отставай больше, Евгений. Сосредоточься на дыхании и держись ближе. Окей, мне лага какой крейчер и кого. What? भाई भाई गिर जाएगा। What the? The sound works. Whoa. Okay, it's the imagination, yeah. Hey, Мирбек. Погоди. Я видел. Мы и пришли. अबे भाई मर जाएगा बेचारा। वो क्या शॉट है भाई। What the hell? Что это за чертовщина? К сожалению, у меня нет времени объяснять. Нужно приблизиться к аномалии. Нет, я на это не подписывался. Мирбек. What? Ты должен это сделать. Вся страна на тебя рассчитывает, Евгений. Нет, нет, пожалуйста. हर बार से कच्चे नींबू को ही आगे कर देते हैं भाई मत। At least I am considering it. इनके डब्बे है क्या? What? करो या मरो भी।
भाई फट जाएगा बेचारे का दिमाग। What? Sheesh. ये श्रिंक हो गया क्या? ओके वो व्हाट शांति कुर्बानी मान रेडिएशन सल्यूट भाई एपिक साउंड वर्क जो साउंड वर्क था ना इसका काफी सुन एनिमेशन की तो मतलब क्या है ये रशियन नाम है क्या मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही कौन सी है वर्ड्स तो इंग्लिश ही है दिस इज फॉर रेंडर होने में कितना समय लगा होगा ओके बाप रे बाप भाई साहब एपिक जो एक टाइटल में लिखा हुआ था ना इसकी कि हाइपर रियलिस्टिक शॉर्ट फिल्म भाई एकदम 100% खरी उतरी है अपने शब्दों पे ठीक है कोई शक ही नहीं ओके सो एनिमेशन एपिक साउंड वर्क एपिक जिसका स्टोरी जो था एक बेसिक सा एपिक भाई सबसे ज्यादा मार्क अगर किसी को मिलने होंगे ना मार्क्स अगर किसी को सबसे ज्यादा देने होंगे तो वो होगा साउंड वर्क जो बांध के रखा है ना लिटरली जब वो आखिरी सीन में वो बंदा वो एक ऑक्सीजन मास्क निकालकर सांस ले रहा था ना तब मैं भी उसके साथ सांस ले रहा था एंड ये पूरा कमाल होता है सिर्फ साउंड वर्क का एंड जो इसमें एक्सपर्ट होता है ये कमाल वही कर सकता है भाई इस तारीफ कितनी करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑब्वियसली इसके स्टार्टिंग से ही हमें एक इसका टारगेट पता चल जाता है कि भैया जी हम जो इंसान हग रहे हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसा होगा हमारे साथ लिटरली मैं खुद का गांव को अगर 10 साल पहले जाकर देखूं तो नदी हमेशा बहती थी नदी का नाम है पुत्र विल्लासी नदी आज उस नदी का नाला हो चुका है सिर्फ 10 साल पहले ठीक है एंड आई एम अफ्रेड कि आज से 30-40 साल बाद क्या होगा मे बी जो दिखाई दे रहा है इसको वो हो भगवान जाने लिटरली मैं इसने मेरे अंदर का एक जो पार्ट होता है ना वो जागरूक कर दिया जो कि था एक्चुअली मैं काफी दिनों से इसके ऊपर सोच रहा हूँ मैं भी गांव में घूमता हूँ तो मुझे कचरा पड़ा हुआ दिखता है एंड मैं उस वक्त सोचता हूँ कि 10 साल पहले आज से 10 साल पहले क्या ये ऐसा ही था नॉट एग्जैक्टली नॉट बिल्कुल भी नहीं एंड आज जब मैं देखता हूँ कि जो नदी का पूरा नाला हो रखता है हाँ मे बी आई होप हम कहीं ऐसी जगह पर ही एंड अप हो आई होप सो मेरी इच्छा है क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ नहीं होगा बट अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में आकर अगर हम एंड अप हो गए वो एक हमारे लिए काफी बड़ा सबक रहेगा आई थिंक सो क्योंकि पृथ्वी है यहाँ पर जनजीवन आएगा अगर पूरा खत्म हो गया
फिर से जागृत होगा आज से एक अरब साल बाद, कह लो कभी भी कह लो, लेट पंथेट, ठीक है, तो ये होगा जरूर। एंड जब उस जनरेशन को पता चलेगा कि भाई इनका अंत किस वजह से हुआ है, तो वो गलती नहीं दोहराएंगे। एंड आई थिंक मेरा तो फुल समर्थन है भाई, ठीक है, अपना एंड ऐसा ही होना चाहिए, देयर इज नो अदर वे देन एक्सेप्टिंग दिस, बराबर है ना। एंड एट द एंड इस वीडियो के बारे में, इस शॉर्ट फिल्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनरियलिस्टिक इंजन में बना है, इन इंजिन वगैरह से मैं थोड़ा फैमिलियर था, क्योंकि आज से एक साल पहले मैं ब्लेंडर काफी यूज करता था, एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, तो मुझे उनका एक पूरा पर्सपेक्टिव पता है कि ये सब चीजें कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है, एंड गॉड नोज कि इस चीज को रेंडर होने में कितने दिन लगे होंगे। मे बी इनके पास अगर काफी फंडिंग वगैरह होगी तो एक कुछ होता है यार इनका, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रेम को रेंडर होने में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, एंड ऐसी 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होती है, तो इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग 24 फ्रेम्स ऑन वन कंप्यूटर, अगर हम 24 फ्रेम्स को 24 कंप्यूटर्स पे रेंडर करें, तो 48 आवर्स का जो काम है वो सिर्फ 2 आवर्स में हो जाएगा। सो अगर हाँ इनके पास काफी बजट होगा तो मे बी इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी रेंडरिंग में, बट अगर नहीं तो इन्हें काफी झंझट का सामना करना पड़ा होगा। बट आई डोंट नो, मैंने जो रेंडर का एक कैलकुलेशन बताया वो काफी बड़ी एनिमेशन मूवीज के लिए होता है, मुझे नहीं पता कि अनरियल इंजन में भी इतना ही समय लगता है क्या, बट ये मेरा इसके बारे में थोड़ा एक ओपिनियन था। साउंड वर्क इफेक्ट, जैसे कि मैं आई थिंक अब तक कितनी बार मेंशन कर चुका हूँ यार साउंड वर्क के बारे में, आई थिंक 4th-5th बार होगा। एपिक भाई, जितनी तारीफ करे उतना कम है। इन सब के जो ओरिजिनल क्रेडिट्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर उनको चेकआउट करो, इनका वेबसाइट, इनके लिंक्स, ईमेल्स, चैनल लिंक्स वगैरह जो कुछ भी मुझे दिखेगा अवेलेबल होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना मत भूलना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक बार उन्हें विजिट जरूर देना एंड ओरिजिनल वीडियो को अपलोड देना मत भूलना, ठीक है, डबल कोटेशन में। हाँ तो ये काफी मजा आया। एंड यस, अपने आसपास जो है वो सफाई बरकरार रखें, वरना ऐसे अंत के लिए तैयार रहे। मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठा हूँ क्योंकि ये मेरा पोज है भाई, ठीक है, मैं ऐसा बैठा हूँ इसका मतलब मैं काफी गहरी सोच में, एंड मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कितना बात करूँ यार इसके ऊपर, आई डोंट नो। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, आई होप कि हमारा एंड ऐसा ही, तो हाँ अगर बचना है तो अपने आसपास सफाई बरकरार रखे, शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स, एनिमेटेड कंटेंट देखते रहे, इसमें काफी कुछ होता है जो राइटर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते असली ह्यूमंस के साथ, बट वो ऐसे कैरेक्टर्स को बनाकर एनिमेशन के जरिए एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड हाँ हमें उन्हें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। सो ये दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही एक और शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म के साथ, के रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं थोड़ी बनाता हूँ भाई, मेरा तो काम है बस देखना एंड तुम्हें दिखाना एंड साथ में बैठकर एंजॉय करना। तो ये दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, ये गुड बाय, आई होप सो कि तुम्हारा अंत ऐसे सफाई करोगे।